आज हम ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी कथा अत्यंत ही दिलचस्प है। यह पंचम ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम है, जिसे रावणेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर भारत के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान पर प्रसिद्ध मंदिर है। आइए इस ज्योतिर्लिंग की पौराणिक मान्यता के बारे में जानते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण से है। कहा जाता है कि रावण से बड़ा शिव भक्त इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक बार की बात है, रावण जब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या कर अपने सिरों की आहुति दे रहा था, 9 सिरों की आहुति देते देते 10वां सिर को काटकर चढ़ाने जा रहा था, तभी भगवान शिव जी प्रकट हुए और रावण से वर मांगने को कहा। रावण चाहता था कि भगवान शिव लंका में रहे, इसलिए उसने वरदान में कामना लिंग को मांगा। भगवान शिव वरदान देते हुए बोले कि अगर इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं रख दोगे तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा, उसे तुम दोबारा नहीं उठा पाओगे। शिव जी के इस बात को सुनकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवगण इस समस्या को दूर करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने इस समस्या के समाधान के लिए एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव से आचमन करने रावण के पेट में जाने का आदेश दिया, जिस वजह से रावण को देवघर के पास लघुशंका लग गई। रावण अचंभित हो गया कि क्या करें। तभी भगवान विष्णु बैजू नाम का ग्वाला बनकर रावण के पास जाकर शिवलिंग ग्रहण कर लेते हैं। वरुण देव के प्रकोप से रावण को दोपहर से शाम हो जाता है। दूसरी ओर भगवान विष्णु जी शिवलिंग वही रख देते हैं और वही शिवलिंग स्थापित हो जाता है, इसी वजह से इस जगह का नाम बैजनाथ धाम पड़ गया, जिसे रावणेश्वर धाम भी कहते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर करें।